आगामी त्योहारों को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक व अपर जिला अधिकारी ने शहर के विभिन्न मार्गों पर भारी पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। अपर जिला अधिकारी ने बताया, शासन के निर्देश पर कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पैदल मार्च लगातार चलता रहेगा। एडीएम संजय सिंह ने शासन के निर्देश अनुसार आगामी त्यौहार गणेश चतुर्थी व मुहर्रम घरों में मनाने की अपील की तथा किसी भी प्रकार के जुलूस, गणेश विसर्जन व ताजिया आदि न निकलने के लिए आगाह किया। किसी प्रकार का उपद्रव करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताते चले कि अपर जिला अधिकारी संजय सिंह ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शहर में फ्लैग मार्च कर शहर के गणमान्य लोगों से घरों में रहकर त्यौहार मनाने तथा आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील। फ्लैग मार्च किया गया है, ये लगातार फ्लैग मार्च चलता रहेगा शासन के निर्देश पर। आगामी त्योहारों को देखते हुए हम सभी लोग स्थिति और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, अक्षुण रखने के लिए ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सभी लोगों के मन में एक विश्वास कायम हो, विधि और व्यवस्था अक्षुण है, कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, इसी उद्देश्य को लेकर के फ्लैग मार्च किया। आने वाले त्योहारों के लिए मजिस्ट्रेट सभी लोगों ने मिल करके संयुक्त रूप से ये फ्लैग मार्च। आने वाले त्योहारों में कोई भी न तो सार्वजनिक तौर पे मूर्ति रखी जाएगी, न ही कोई ताजिया जुलूस निकलेगा, नहीं मूर्ति विसर्जन सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। ठीक सर। लेट गया।